हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, मैं कपिल परमार आज आपको पढ़ाऊंगा एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें अपना टॉपिक है भैंस। और भैंस के बारे में अपन सब कुछ अच्छे से वर्गीकरण करके पढ़ेंगे। भैंस भैंस कितने वर्गों में बांटी गई है, भैंस के नस्लें कितनी हैं, सब अपन आज पढ़ेंगे। और भैंस कितने ब्याह पर दूध देती है, कितना लीटर दूध देती है, कौन सी कहाँ पे पाई जाती है, सब अपन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अंत तक बने रहें और चलो स्टार्ट करते हैं आज। भैंस भैंस को कुल कहते हैं बोवड़ी। क्या बोलते हैं? बोवड़ी। कॉमन नेम है इसका ब्लैक डायमंड, यानी कि कभी भी प्रश्न बन सकता है। तो जेड में से प्रश्न आ सकता है कि भैंस का कॉमन नेम क्या है, तो क्या बोलना है अपन को? ब्लैक डायमंड है बोलना नहीं है, वहाँ पे राइट करना है, यानी कि ऑप्शन में दिया होगा। विश्व की समस्त भैंसों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्ग कौन से हैं? अफ्रीकन और एशियन। कौन से वर्ग हैं? अफ्रीकन और एशियन। इंडिया कहाँ पे पाया जाता है अपन को पता है? एशियन में पाया जाता है, एशिया के एशियन में पाया, एशिया में पाया जाता है। तो अपन एशियन की बात करेंगे, जंगली और पालतू। सबसे पहले आते हैं अपन वन वाटर रिवर। पालतू में वन वाटर रिवर में अपना साइंटिफिक नेम है इसका बुबेलिस बुबेलिस। क्या नाम है? साइंटिफिक नेम बुबेलिस बुबेलिस। इसका क्रोमोसोम नंबर है 50, मास 52। और अपन सेकंड की बात करेंगे स्वयं स्वयंपम दलदली बुबेलिस काबेनेसिस। साइंटिफिक क्रोमोसोम नंबर है 48, मास केराबीफ कहलाता है। अब वाटर रिवर की बात करेंगे भैंस की, जिसमें यह भैंस मुख्य रूप से अधिक दूध देने वाली होती है। कौन सी होती है? वाटर रिवर। कौन सी मुख्य रूप से क्या है? दूध देने वाली होती है, अधिक दूध देने वाली वाटर रिवर। उसमें से 1300 से 2000 लीटर 300 दिन में भारत में मुख्य रूप से रिवर भैंसें ही पाई जाती हैं, यानी कि एक 300 दिन में 2000 लीटर तक दूध देती है भैंसें। और भारत में मुख्य रूप से रिवर भैंसें ही पाई जाती है। भारत में कौन मुख्य रूप से कौन सी भैंसें पाई जाती हैं? रिवर भैंसें ही पाई जाती हैं। हमारे देश में भैंस की 16 नस्लें हैं। कितनी नस्लें हैं? 16 नस्लें हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो NBAGRI करनाल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? करनाल में पाई जाती है। जिन्हें आकार व बार के अनुसार निम्न भागों में बांटा गया है। आकार और बार के अनुसार निम्न भागों में बांटा गया है। NBGAR करनाल में पाई जाती है। कितनी? 16 नस्लें। हमारे देश में भैंसों की नस्लें कितने हैं? 16। NBAGRI कहाँ है? तो करनाल में। आपको याद रखना है, एक एक प्रश्न याद रखना है, कहाँ से उठता है कहाँ से नहीं। जिन्हें आकार व भार में भार के अनुसार निम्न भागों में बांटा गया है। भारी श्रेणी, मध्य श्रेणी, हल्की श्रेणी, हेवी ब्रीड, मीडियम ब्रीड, लाइट ब्रीड। हेवी ब्रीड में आ गई जाफराबादी, मिनी एलिफेंट बोलते हैं जाफराबादी को। क्या बोलते हैं? मिनी एलिफेंट बोलते हैं। नीली रावी व मुर्रा ये हैवी ब्रीड में आ गई, यानी कि भारी श्रेणी में। मध्य श्रेणी में मीडियम ब्रीड बदावरी, मसाणा व नागपुरी। कौन सी? मीडियम ब्रीड में कौन सी है? बदावरी, मसाणा व नागपुरी। हल्की श्रेणी में कौन सी है? लाइट ब्रीड में सूरती। कौन सी देसी नस्ल है? सूरती कौन सी नस्ल है? देसी भैंस की नस्लें, ब्रीड्स ऑफ बफेलो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुर्रा के बारे में। मुर्रा कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब। कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब। आपके ऑप्शन के अनुसार वहाँ पे आपको राइट करना है। मुर्रा भैंस मूल स्थान कौन सा है? तो वहाँ पे आपको खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूँ दिया गया और बाकी ऑप्शन अलग अलग दिए गए। तो आपको क्या राइट करना है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश राइट करना है। और अगर दिल्ली दिया गया तो दिल्ली राइट करना है, हरियाणा दिया गया, पंजाब दिया गया तो पंजाब राइट करना है।
अब वितरण के बारे में बात करेंगे। मुर्रा नस्ल की सर्वोत्तम पशु रोहतक, हिसार, झांसी, मोहाना, गोहाना और जींद में मिलते हैं। यह राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एवं अजमेर संभाग में पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है मुर्रा नस्ल? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर में संभाग में पाई जाती है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। अब अपन इसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विशेषताएं के बारे में। क्या होता है? रंग काला, संहिता तथा त्वचा चमकीली मुलायम होती है। सींग छोटे जलेबी के आकार के होते हैं। अत्यधिक घुमावदार होते हैं। अयन विकसित जिस पर दंत छोटे, थन छोटे एवं दूर दूर होते हैं। पूंछ के अंतिम सिरे पर सफेद बालों का गुच्छा पाया जाता है। शरीर भार 600 किलोग्राम, मादा 500 किलोग्राम। उपयोगिता, इस नस्ल द्वारा भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादित होता है। कितना होता है दूध क्षमता? कितनी? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्याह। और वसा की मात्रा 7% पाई जाती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, कैसे भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन उत्पादित होता है? कौन सी नस्ल से होता है? तो मुर्रा से। कितना होता है? 1800 से 2500 लीटर ब्याव। वसा की मात्रा 7%। हर चीज़ को अपन को पढ़ लेना है, हर चीज़ को। अब भदावरी के बारे में बात करेंगे। भदावरी मूल स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर स्टेट, यानी कि इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भदावरी। क्यों पड़ गया? भदावरी आ गया यानी कि भदावर स्टेट अपने दिमाग में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर स्टेट। वितरण कहाँ कहाँ वितरण की गई है? तो यमुना चंबल घाटी के मध्य में सबसे इटावा ग्वालियर क्षेत्र में। कहाँ पे? यमुना चंबल घाटी के मध्य में बसे इटावा ग्वालियर क्षेत्र में। विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं? रंग तांबे जैसी, क्या क्या है? रंग तांबे जैसी ललिमा दिए बादामी शरीर, वी आकार में आगे से सिकुड़ा हुआ व पीछे से चौड़ा होता है। आयन छोटा जिस पर दूध शिराएं उभरी होती हैं। क्या? दूध शिराएं उभरी होती है। उपयोगिता, इस नस्ल में सार्वजनिक वसा प्रतिशत 13% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वसा प्रतिशत भैंस में किस में पाई जाती है? भदावरी में। कितना? 13% पाई जाती है। दूध क्षमता 900 से 1200 लीटर किलोग्राम यानी प्रति ब्याव। अब अपन पढ़ेंगे सुरती नस्ल के बारे में। उत्पत्ति स्थान गुजरात के खेड़ा, आनंद, बड़ौदा व डिडियाना, नाडियाड क्षेत्र में। गुजरात के खेड़ा, आनंद, बड़ौदा व नाडियाड क्षेत्र में उसका उत्पत्ति स्थान है। किसका? सुरती का। वितरण, इस नस्ल की भैंसें दक्षिण राजस्थान में पाई जाती हैं। इस नस्ल की प्रमुख विशेषताएं यह हैं। और इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, विशेषताएं पढ़ेंगे। किसकी विशेषताएं पढ़ेंगे? सुरती नस्ल की। कैसी होती है? सींग छोटे होते हैं और क्या होते हैं? सींग छोटे होते हैं और दराती हसियाना की आकृति के होते हैं। इस नस्ल की प्रमुख विशेषता यह है कि पशु के जबड़े के नीचे तथा अधरक्ष पर सफेद रंग की एक पट्टी होती है। उपयोगिता, दूध क्षमता कितनी होती है? 1600 से 1700 किलोग्राम प्रति ब्याव। और वसा की मात्रा 7.5%। मेहसाणा, अब मेहसाणा की उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? ज़्यादातर गुजरात में पैसे ज़्यादा पाई जाती हैं। उत्पत्ति स्थान गुजरात की मेहसाणा, बनासकोटा व साबरकोटा जिले में। कहाँ पे? बनासकोटा और साबरकोटा जिले में।
वितरण, यह नस्ल राजस्थान के जालौर जिले में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जालौर जिले में। मेहसाणा नस्ल कहाँ पे पाई जाती है? जालौर जिले में। विशेषताएं, यह नस्ल मुर्रा नर व सुरती भैंस के प्रजनन से प्राप्त हुई है, यानी कि ये क्रॉस करवाया। किसका क्रॉस करवाया है? सुरती नस्ल का और मुर्रा नस्ल का, जिससे प्रजनन से प्राप्त हुई है। कौन सी? मेहसाणा। रंग काला एवं गर्दन लंबी एवं सुंदर होती है। कैसी होती है? रंग काला एवं गर्दन लंबी एवं सुंदर होती है। यह भैंसों में सबसे डोसियाल शांत स्वभाव नस्ल है। उपयोगिता, भैंसों में सबसे लंबा दूध काल इसी नस्ल का होता है। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, कैसे? भैंसों में सबसे लंबा दूध काल किस कौन सी नस्ल का होता है? तो अपन को क्या करना है? तब आपके ऑप्शन आ गया, भदावरी आ गया, सुरती आ गया, इसके बाद में नीली रावी आ गया, और चौथा ऑप्शन आ गया मेहसाणा। तो आपको क्या करना है? मेहसाणा राइट करना है। क्या कौन सा राइट करना है? मेहसाणा। इसमें भैंसों में सबसे लंबा दूध उत्काल की इसी नस्ल का होता है। दूध क्षमता 1200 से 1700 किलोग्राम प्रति ब्याव, 7-4% वर्षा बशा यानी कि फेट। अब नीली रावी के बारे में पढ़ेंगे। पंच कल्याणी, नीली को क्या बोलते हैं? पंच कल्याणी। उत्पत्ति पंजाब के फिरोजपुर व अमृतसर की रावी तथा सतलज नदियों की घाटिया के बारे में आप पढ़ेंगे। नीली रावी, नीली रावी में पंच कल्याणी। नीली में उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? पंजाब के फिरोजपुर व अमृतसर की रावी तथा सतलज नदियों की घाटियाँ। वितरण, यहाँ यूपी के बरेली, मुरादाबाद, उत्तराखंड के रामपुर, नैनीताल जिलों में बहुतायत में मिलती हैं। विशेषताएं, इस नस्ल की आंखें सतलज नदी की पानी की तरह होती हैं, नीली होती है। कैसी होती है? इस नस्ल की आंखें कैसी होती हैं? सतलज नदी के पानी की तरह होती है, नीली होती हैं, जिन्हें बाल आइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल आइस कहा जाता है। और सिर वर टीका तथा पूंछ लंबी होती है, धरातल को स्पर्श करती है। याद रखना है, ये विशेषता याद रखना है, तो वहां पे अपन को पता पड़ेगा तो कौन सी भैंस है यूं। अब अपन पढ़ेंगे उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। 1500 से 1800 किलोग्राम दूध प्रति ब्याव्त वसा 8 से 10% होती है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा वसा किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? भदावरी में। किसमें? 13% से सर्वाधिक वसा प्राप्त किसमें होती है? भदावरी में, भदावरी नस्ल में। आप जाफराबादी के बारे में पढ़ेंगे। जाफराबादी उत्पत्ति, इसका मूल स्थान गुजरात के गिर जंगल तथा काठियावाड़ और जाफराबाद में है। इसलिए देख रहे हो, यहाँ पे जाफराबादी नाम के बड़ा जाफराबाद है। इसका मूल स्थान गुजरात के गिर जंगल तथा काठियावाड़ और जाफराबाद है, तो यानी कि जाफराबादी। विशेषताएं, इसका शरीर भारी भरकम, वजन नर 600 व मादा 500 किलोग्राम तथा नीला ढाला होता है। कितना? नीला ढीला ढाला होता है, इसलिए इसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है। उपयोगिता, इस भैंस में दूध उत्पादन क्षमता कम से कम 900 से 1100 किलोग्राम व्याप्त होती है, पर कुछ दूध से जमने वाला दही स्वादिष्ट होता है। कैसा होता है? दूध से दही जमने वाला दही कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि स्वादिष्ट दही किसका होता है? तो जाफराबादी का होता है। अब भैंसों के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान में भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? वल्लभ नगर, उदयपुर में। भैंस में गर्मी के लक्षण सत में प्रकट होते हैं, रात में प्रकट होते हैं। भैंस में नहाने व पानी में तैरने की क्रिया वेलोइंग कहलाती है। वेलोइंग कहलाती है, क्या कहलाती है? वेलोइंग।
राजस्थान भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र, वल्लभ नगर, उदयपुर। भैंस में गर्मी के लक्षण रात में प्रकट होते हैं। भैंस के नहाने व पानी तैरने की क्रिया वेलाइंग होती है, कहलाती है।